पता चला है कि प्रशासन जो है गौरी हत्याकांड को लेकर दबाव बना रही है। देखिए, हमारे पिताजी को और हमारे चाचा जी को पुलिस प्रशासन द्वारा हम गौरी हत्याकांड को लेकर सीबीआई जांच की मांग को लेकर धरने प्रदर्शन में बैठे थे और एसओ हमारे पास फ़ोन करते हैं कि आप धरना ख़त्म कर दीजिए। हमने कहा लोकतंत्र है, मैं सीबीआई जांच मांग के जांच करवा के ही धरना ख़त्म करूंगा। उसके आधे घंटे बाद हमारे घर से फ़ोन आता है कि आपके चाचा जी को, आपके पिताजी को पुलिस द्वारा अरेस्ट कर लिया गया है और जितने भी लोग एसओ साहब के पास फ़ोन कर रहे हैं किसी का फ़ोन नहीं उठा रहे हैं और अभी तक हमारे चाचा से बात हो रही थी, अब उनका मोबाइल स्विच ऑफ करा दिया गया है। आगे की घटना को लेकर जैसे देखा जाए तो क्या धरना जारी? अगर आधे घंटे के अंदर हमारे चाचा जी को और पापा जी को नहीं छोड़ा जाता तो ये पुलिस प्रशासन के लोग समझ लें कि एक जन आंदोलन की अब तैयारी होने जा रही है, इसका बहुत बड़ा खमीजाना पुलिस प्रशासन को भुगतना पड़ेगा। और आपके साथी लोग जो थे और सुनने में हमारे साथी लोग के घर भी पुलिस बार बार जा रही है, सब लोग को दबिश दे रही है, पकड़ने की कोशिश कर रही है और हमारे साथी लोग इधर उधर भटक रहे हैं। पुलिस प्रशासन ये जो योगी सरकार करा रहे हैं ये अच्छा नहीं करा रहे हैं। फतेहपुर का कौन सा साथी है? फतेहपुर का हमारा राकेश पासी था और बर्जी के नितिन बौद्ध थे और जो असली मुस्लिम है उनको ना पकड़ के जो न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं उनको पुलिस द्वारा पकड़ा जा रहा है। आप क्या कहेंगे? हमारा कहना यही है कि हमारे घर पे इंस्पेक्टर सुराव थाना के वो पहुँचे लेकिन हम वहाँ पर असुरक्षित महसूस कर रहे थे खुद को, इसलिए हमने फेसबुक लाइव स्टार्ट कर दिया। तो उन्होंने हमको ये कहकर चले गए, बातचीत किए, उसके बाद चले गए। उन्होंने कहा लोकतंत्र का अधिकार है, सबको धरना करने का अधिकार है, लेकिन हमारा ये पुलिस प्रशासन से सवाल है कि जब सबको लोकतंत्र में धरना करने का अधिकार है तो मैं जब धरना स्थल पर बैठा था तो कौन बोला, किस अधिकार के तहत आप हमारे घर पे गए थे, आप किस लिए गए थे? क्या गुड्डन भाई के पिता और चाचा जी को जिस तरीके से गिरफ्तार किया गया वो इसी तरीके से उनका ये भी उनकी ये प्लानिंग थी कि नितिन बौद्ध के घर वालों को भी गिरफ्तार करेंगे, लेकिन हमने वहाँ पर फेसबुक लाइव स्टार्ट कर दिया तो वो लोग डर गए कि ये मामला बड़ा हो जाएगा, इनको वीडियो साक्ष्य मिल जाएगा, इसलिए उन्होंने हमें गिरफ्तार वगैरह नहीं किया। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि हम लोग ऊपर दबाव मत बनाइए, अगर आप लोग दबाव बनाने का काम करेंगे तो हम डरने वाले नहीं हैं, न्याय के लिए लड़ रहे हैं, हमने कोई मर्डर नहीं किया है, हमारे समाज के लोगों पर अत्याचार हुआ तो हम धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं। अगर योगी सरकार की पुलिस, अगर पुलिस प्रशासन इतना ही मजबूत रहता जैसे नितिन बौद्ध के घर पर पहुंच गई, गुड्डन राजपासी के घर पर पहुंच गई, अगर वो इतना ही उनके घर के पहुंचने की उसकी अगर उतना ही वो घर पर पहुंचना चाहती है तो मुख्य आरोपी के घर पर पहुंच जाए, मुख्य आरोपी को जाकर गिरफ्तार करे। अरे नितिन बौद्ध और गुड्डन राजपासी जैसे तमाम निर्दोष लोगों के घर पर क्यों पहुंचती जो न्याय के लिए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? सुनने में आया कि जो है पुलिस आपका पीछा कर रही है धरने से लेकर घर तक। बिल्कुल, मैं धरने से हमें एक के षड्यंत्र के तहत बुलाया गया, हमारे गांव के तमाम लोग हमारे पास फ़ोन करने लगे कि आप नितिन जी आप कहाँ हैं, हमने कहा मैं घर आ रहा हूँ, हमने कहा कि हमारे घर के लोगों को असुरक्षित महसूस ना हो, कहीं ये उठा ना ले जाए, इस डर से मैं घर के लोग के पास पहुँचा और उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी लिए सुरक्षित किया। लेकिन ये षड्यंत्र है, मैं इलाहाबाद से हमारे घर तक पुलिस का पीछा रहा है और हमारे बाद जस्ट कुछ देर के बाद इंस्पेक्टर सुराव हमारे घर पे पहुंच गए।